नमस्कार, आज मैं आप लोगों से बात करूंगी कि जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं उनमें टॉयलेट ट्रेनिंग हम लोग कैसे करा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत गंभीर समस्या है और जो उनके पेरेंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा इस वजह से बहुत उनको परेशानी होती है ऑटिस्टिक बच्चों को संभालने में, क्योंकि उनमें टॉयलेट कंट्रोल प्रेजेंट नहीं होता है। कई बार वो टॉयलेट के अंदर जाना पसंद नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे कि क्या क्या कारण है, क्या क्या कॉजेस हो सकता है जिसकी वजह से कि हम लोग उनको प्रॉपर टॉयलेट ट्रेन नहीं कर पा रहे हैं। दो तीन चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं जिस पर हम लोग को ध्यान देने का ज़रूरत है। उसको हो सकता है कि प्रॉपर सेंसेशन ही महसूस नहीं होता हो, उसको ये फील ही नहीं आता होगा कि उसको प्रेशर आ रहा है, मतलब कि उसको अपने बॉबल पे कंट्रोल नहीं है, तो वो एक प्रॉब्लम है। उसको समझ नहीं है तो अचानक से कहीं भी वो कपड़ा गंदा कर देता है और आपको भी समझ में नहीं आता है कि कैसे करता है, क्या करता है। दूसरा है कि उसको पता चलता है कि उसको प्रेशर आ रहा है लेकिन वो टॉयलेट में जाना नहीं चाहता है, टॉयलेट में जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, मतलब जहाँ है वहीं वो अपना काम कर लेगा, उसको लेकिन टॉयलेट के अंदर जाना पसंद नहीं। तीसरा प्रॉब्लम जो हम लोग फेस करते हैं कि बच्चे को बिल्कुल सही तरीके से सारी चीज़ें नहीं आ रही है। जैसे बच्चा टॉयलेट में जाता तो है लेकिन हो सकता है कि अपने कपड़ों को बाहर ही निकाल लेता हो, अपना पैंट बाहर ही उतार लेता हो, जिससे आपको बहुत ज़्यादा शर्म आती हो, आपको अच्छा फील नहीं होता होगा, किसी के बाहर का कोई आया हुआ है उसके सामने आपको एम्बैरेसमेंट झेलना पड़ता होगा। दूसरी प्रॉब्लम है कि वो टॉयलेट यूज़ करता है लेकिन उसको प्रॉपर यूज़ करना नहीं आता है, कैसे उसको अपना क्लीन करना है और कब उसको फ्लश करना है, कैसे उसको अपना पैंट को पहनना है फिर से वापस, ये सारी चीज़ों में उसको दिक्कत होती है, वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ करता है। तो सबसे पहले तो हम लोग कैटेगराइज़ करते हैं कि बच्चे को कहाँ क्या प्रॉब्लम है। अगर हम लोग बात करें फर्स्ट कैटेगरी में, तो सबसे पहला कि अगर आपके बच्चे को बिल्कुल भी पता ही नहीं चलता है कि उसको टॉयलेट आ कब रहा है, ना तो आपको उसका कोई फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होता हुआ दिखता है, ना तो वो कोई जेस्चर देता है आपको, मतलब कि सच में वो बिल्कुल अनभिज्ञ है कि उसके साथ हो क्या रहा है, बस उसको वो टॉयलेट आ जा रहा है, वो कहीं भी खड़े खड़े कर ले रहा है। इवन कई बार तो ऐसा भी होता है कि बच्चे को पता भी नहीं चलता है कि उसका पैंट गीला हो गया है और वो वैसा ही घूमता रहता है। जब पेरेंट्स को कुछ स्मेल आता है वो चेक करते तो दिखते हैं कि पैंट इसका गंदा हो चुका है। तो ये बहुत ज़्यादा, ये जो फर्स्ट कैटेगरी हम लोग कई बार तो देखते हैं बहुत सीरियस केसेस में होता है और इसको हम लोग सीधा सिखा कर नहीं सही कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, उनका प्रॉपर ओटी हो जिससे सेंसरी इंटीग्रेशन पे काम हो सके, धीरे धीरे अगर वो उनको फीलिंग आने लगेगा, अगर वो वर्बली नहीं बता पाते, कम्युनिकेट नहीं कर पाते, लेकिन एटलीस्ट उनके फेस पे कोई एक्सप्रेशन एक ऐसा आ जाए जिससे कि पेरेंट्स या उसके साथ जो रहते हैं उनको समझ में आ जाए कि इसको प्रेशर आ रहा है और वो उसके बाद की प्रक्रिया को कर सकते हैं, मतलब अपने बच्चे को वहाँ से लेकर टॉयलेट तक ले जा सकते हैं। तो इस तरीके से उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। दूसरा है कि बच्चा टॉयलेट में जाना ही नहीं चाहता है। अब जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी कई बार इसकी चर्चा की कि हमारे जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं उनमें कुछ सेंसरी का प्रॉब्लम होता है, मतलब उनको कुछ टेक्सचर से प्रॉब्लम हो सकता है, उनको कुछ स्मेल से प्रॉब्लम हो सकता है, कम लाइट ज़्यादा लाइट से, मतलब सेंसरी का उनका डिस्टर्बेंस होता है, इश्यूज होता है। तो कुछ चीज़ें हैं जिनको हम लोग को बैलेंस करना होगा इनके ट्रेनिंग को स्टार्ट करने से पहले, और कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। सबसे पहला चीज़ ये कि जब आप इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं तो आपको ध्यान देना है कि बहुत कोल्ड वेदर ना हो, इतना ठंडा मौसम ना हो कि बच्चा जाए टॉयलेट में और वो बैठे और उसको अच्छा फील नहीं हो, या पानी इतना ठंडा नहीं हो कि उसको अच्छा फील नहीं हो, या पानी इतना गर्म नहीं हो कि उसको अच्छा फील नहीं हो। तो सबसे पहले तो आपको मौसम के टेम्परेचर का और उसको जो पानी देना है यूज़ करने के लिए उसके टेम्परेचर का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। दूसरा चीज़ है कि आपका टॉयलेट जो है वो थोड़ा, जो आपका बच्चा है, जिस एज का बच्चा है उस एज में आपको कोशिश ये करना है कि 5 साल तक उसको ट्रेनिंग की शुरुआत तो एटलीस्ट कर देनी, अगर ट्रेन हो जाए तो सबसे बेस्ट है क्योंकि उसके बाद दिक्कत आती है। तो दूसरा है कि आपको अपने बच्चे
के अकॉर्डिंग जो टॉयलेट सीट है उसका बहुत सारा आता है, बच्चे के अकॉर्डिंग ही कमोड पे लगाने वाला सीट्स अवेलेबल है, आप उनको लगा दीजिए। अगर बच्चे को वो टेक्सचर नहीं पसंद है तो आपको एक कपड़े का, क्लोथ्स का, जिसका टेक्सचर उसको अच्छा लगता है वो आप उसमें कवर जैसा भी लगा सकते हैं, जब वो बच्चा बैठा तब आप लगा दीजिए। अगर हाइट ज़्यादा है तो नीचे एक छोटा सा उसको स्टूल जैसा या पीछे, जिससे उसको ईजी हो जाए आराम से वो बैठ सके, जिससे उसका जो पोस्चर है वो 90 डिग्री पर रह सके। ये जो आपके टॉयलेट का कंडीशन है, अगर टॉयलेट में उसको कोई चीज़ पसंद है, कोई कलर पसंद है, कोई स्टिकर है, टॉय पसंद है, आप ऐसा अरेंजमेंट करें कि वो वहाँ पे बैठ के उन चीज़ों को देख सके या उससे खेल सके, आप बच्चे को अलाउ करिए। दूसरा, अगर वो उसको स्क्रीन टाइम बहुत पसंद है, राइम सुनना बहुत पसंद है, तो आप उस समय पर उसको दीजिए, क्योंकि अभी आपका एम यही है कि वो टॉयलेट में एटलीस्ट एक बार में 15 मिनट बैठे। ये सारी चीज़ें हैं, आप वहाँ पे कुछ इजीली अवेलेबल कुछ कैंडी या उसकी पसंद का टॉफ़ी कुछ ज़रूर रखें, कि जैसे उसका काम फिनिश होता है बिना कुछ कहे, उसको कहना नहीं, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देना, लेकिन जैसे उस समय का टारगेट पूरा होता है, मतलब उसने टॉयलेट किया, जैसे उसका फिनिश होता है आप उसको एक अच्छे से वेल डन वेरी गुड कह के उसको आप मुँह में डाल दीजिए, उसको हाथ से नहीं लेने दीजिए क्योंकि उसका हाथ गंदा है। अब ये टॉयलेट का कंडीशंस हो गया, लेकिन तो क्या हम कब टॉयलेट में उसको ले जाएँ, ये बहुत एक मैटर करता है। तो इसका टॉयलेट का टाइमिंग फिक्स करने से पहले 2-3 चीज़ों पे हम लोग को काम करना पड़ता है। एक तो पहला बच्चा था जिसको फील ही नहीं हो रहा, उसको छोड़ देते। जिन बच्चों को फीलिंग आता है, जैसे आपको पता चलता है कि अब ये कर देगा, उसके फेशियल एक्सप्रेशन से समझ में आ रहा है, तो उस कंडीशन में आप क्या करिए, पहले तो एक डेटा निकालिए, मतलब एक नोट करते जाइए, छोटा सा डेटा नहीं, बहुत बड़ी चीज़ नहीं, मैं सिंपल चीज़ आपको बता रही हूँ, छोटा सा बस आप डेटा कलेक्ट करते जाइए, जैसे कि आपका बच्चा कब कब जाता है, कितने ड्यूरेशन पे जाता है, 1-1 घंटे पे उसको टॉयलेट आता है, 2 घंटे पे आता है, खाना खाने के 10 मिनट के बाद उसको आता है, खाना खाने के 15 मिनट के बाद आता है, या कभी कभी वो पानी पीता है, पानी पीने के 10 मिनट के बाद आ जाता है। थोड़ा जब आप इन चीज़ों को वॉच करेंगे, माइन्यूटली देखेंगे, थोड़ा केयरफुली देखेंगे, तो आपको एक पूरा प्रॉपर डेटा आएगा, आप उसको समझ पाएंगे कि अच्छा मेरा बच्चा जब भी कुछ लिक्विड इंटेक करता है तो इतनी देर के बाद, लगभग अप्रॉक्स इतनी देर के बाद, 10 से 15 मिनट के बीच में या 10 से 20 मिनट के बीच में मेरे बच्चे को सुसु आता है या टॉयलेट आता है, खाना खाता है उसके इतने देर के बाद आता है, सुबह उठता है उसके इतने देर के बाद आता है, या शाम में खेलता है, खिलाते हैं हम लोग उसको, एक्सरसाइज कराते हैं उसके बाद आता है। हर बच्चे का शेड्यूल डिफरेंट होता है, थोड़ा आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। अब जो जो टाइम आपने कलेक्ट किया अपने डेटा में, आपके अकॉर्डिंग जो जो उसके लिए सुटेबल टाइम हुआ, उस वक्त पे बच्चे को आपको टॉयलेट में ले जाकर बिठाना है। और मैंने जो जैसा पहले बताया कि टॉयलेट में ये सारे इन्वायरमेंट और ये सारी चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को आपको सही करना है, बच्चे के अकॉर्डिंग करना है, जिससे बच्चे को वहाँ पे मन लगे, वो वहाँ पे बैठना चाहे, वहाँ पे वो इन्जॉय करे, सबसे पहली बात ये। दूसरा मैंने बोला कि अगर वो कर लेता है तो उसको आप रीइन्फोर्स करेंगे। अब हम लोग तीसरा जो कैटेगरी मैंने बात किया था कि बच्चा टॉयलेट जाता है लेकिन प्रॉपर चीज़ों को नहीं करता है, जैसे पैंट बाहर ही उतार देगा, बाहर टॉयलेट उसने कंप्लीट किया बिना वो क्लीन किए ही बाहर आ जाएगा, या उसने क्लीन तो किया लेकिन बाहर बिना पैंट के आ जाएगा, तो इन चीज़ों को सुधारने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि ये बच्चे विजुअल लर्नर्स होते हैं, देख कर बहुत अच्छा सीखते हैं, तो हम लोग स्मॉल कार्ड्स बनाते हैं, या कार्ड्स इजीली अवेलेबल भी हैं, मैं आप लोगों को इसमें ज़रूर दिखा दूंगी। उस कार्ड में क्या होना चाहिए, सबसे पहले आप स्टेप वाइज वो कार्ड्स होंगे, जैसे सबसे पहले आपको जब पॉटी का आपको लगता है कि मुझे पॉटी या टॉयलेट जाना है, तो उस वक्त आपको क्या करना है कि एक टॉयलेट का, जैसा आपके घर में टॉयलेट है, अगर कमोड है तो कमोड का वो बना के एक पिक्चर आप रखेंगे। तो पहला आपको कहाँ जाना है, गो टू पॉटी फर्स्ट, देन वो पॉट के पास जाएगा, उसके बाद जाएगा तो फिर अपना पैंट नीचे उतारेगा, मतलब वो पैर से पैंट नीचे खिसका हुआ है, उसके बाद थर्ड क्या होगा, वो बैठेगा, फिर बैठ के जब उसका टॉयलेट हो जाएगा देन वो क्लीन करेगा अपने आप को, उसके बाद का वो उसका पिक्चर होगा, उसके बाद फ्लश को चलाएगा, उसके बाद वो अपना पैंट्स को ऊपर करेगा, ऊपर करने के बाद पैंट्स को वो अपने हैंड को वॉश करेगा, उसके बाद उसको पहुँच के बाहर आ जाएगा। तो ये सारे स्टेप्स हैं, और इन स्टेप्स को हम लोग क्या करेंगे कि पिक्टोरियल उसमें पिक्चर या फ्लैश कार्ड्स बनाकर उसके अकॉर्डिंग उसको सिखाते हैं। तो पहले दिखाते हैं उनको, बताते हैं। अच्छा, इसमें एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि घर में या बाहर
जहाँ भी वो मिल रहे हैं तो कोशिश करिए कि एक चीज़ के लिए, जैसे अगर आप सुसु के लिए सुसु बोलते हैं, टॉयलेट बोलते हैं, आप और भी कुछ बोल सकते हैं, तो कोशिश ये करना है कि आप सिर्फ एक वर्ड यूज़ करें। अगर आप टॉयलेट वर्ड यूज़ करें टॉयलेट बोलिए, पॉटी बोलना है पॉटी बोलिए, लेकिन सारे लोग सेम बोलिए, जिससे बच्चा उस वर्ड से उस प्लेस को आसानी से कनेक्ट कर पाए, उसको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो ये आप लोगों को इस ट्रेनिंग को शुरू करने के पहले बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि सिर्फ एक वर्ड यूज़ करिए, सारे लोग एक जैसा ही वर्ड यूज़ करिए। दूसरा, उसकी रूटीन पे पूरा पूरी आपकी नज़र होनी चाहिए। पॉटी ट्रेनिंग के दौरान आपको एक दो चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली है, जैसा कि ऑटिस्टिक चाइल्ड का थोड़ा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्या रहती ही है, तो हो सकता है कि उनको कभी लूज मोशन हो रहा हो, कभी कॉन्स्टिपेटेड हो, तो इन दोनों स्थितियों में आपको पॉटी ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाइए। अगर उसको लूज मोशंस आ रहे हैं, उसके लिए पहले आप उसको मेडिसिन दिलवाइए, जिससे कि उसका जो लूज मोशन की समस्या है वो थोड़ा ठीक हो जाए, फिर आप उसकी पॉटी ट्रेनिंग स्टार्ट कीजिए। और अगर आपका बच्चा कॉन्स्टिपेटेड रहता है, उसको कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो उस कंडीशन में आप डॉक्टर से कुछ ऐसी मेडिसिन लीजिए जिससे उसका कॉन्स्टिपेशन में उसको राहत मिले। अगर मान लीजिए कि आपने कोई सुबह का टाइम फिक्स किया अपने बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग देने के लिए, तो अगर रात में वो दवा आपने दिया है तो सुबह में क्या होगा कि फिजिकली वो उसको सपोर्ट करेगा, उसको प्रेशर उसमें आ रहा होगा जब आप उसको टॉयलेट में ले जाकर बिठाएंगे, तो आपका टारगेट पूरा होने का ज़्यादा चांसेस है। और जब टारगेट पूरा होगा आप उसको रीइंफोर्स करेंगे तो बच्चा हाई मोटिवेट होगा, उसको अच्छा फील होगा, तो वो फिर बार बार जाना भी चाहेगा टॉयलेट में, क्योंकि पॉजिटिव उसको कुछ लगेगा कि मैंने ये टारगेट पूरा किया तो मुझे कुछ मिला, उसकी पसंद का उसे कुछ मिला। इन्वायरमेंट हो सकता है आपने ऐसा क्रिएट किया कि उसको वो पसंद आ रहा है। जब कुछ दिन मेडिसिन देते देते उसको एक हैबिट लग जाती है तो आप मेडिसिन फिर डॉक्टर से सलाह लेकर बंद कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको ध्यान देना है कि उसका जो फूड है उसमें आपको बहुत ज़्यादा फाइबर उसको देना है, जिससे उसको कॉन्स्टिपेशन की समस्या ना हो, जिससे उसकी पॉटी ट्रेनिंग आगे सही ढंग से चलती रहे। आप ध्यान देकर उसको खिलाएं जिसमें ज़्यादा फाइबर वाले फूड हो, बीटरूट दे सकते हैं, काफ़ी इफेक्टिव होता है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। एक चीज़ बहुत ध्यान रखें, जब आप पॉटी ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे ना, तो हो सकता है कि स्टार्टिंग में कई दिनों तक आप 15 मिनट उसको लेकर बैठे हैं और बच्चा कुछ भी नहीं कर रहा है, तो आपको 15 मिनट के बाद बिना टारगेट पूरा किए आपको उसको वहाँ से उठा कर लाना, हो सकता है बाहर है उसके बाद वो कर दे। तो सबसे पहली बात ये कि अगर वो नहीं करता है अपना टारगेट पूरा, तो आपको उसको कुछ भी निगेटिव नहीं बोलना है, ना निगेटिव बोलना है ना ही पॉजिटिव बोलना है, आपको बस एक स्वाभाविक रूप से बस उसको बोलना है ओके चलो पैंट उसको पहना कर वापस लेकर आ जाना, उसको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं, ना इवन आपका फेसियल एक्सप्रेशन भी गंदा नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि बाहर जाके आप हल्ला करने लगे कि इसने किया नहीं, फालतू मेरा 15 मिनट चला गया, मैं बैठी हूँ, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा करते हैं, ये बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो ये आपके टारगेट को और डिले करेगा, बच्चा और डीमोटिवेट होगा, उसको ये सारा जो कंसिक्वेंसेज आपने दिखाया अपना गुस्सा टेंट्रम, वो उससे डर के और टॉयलेट से रिलेट करेगा कि जब मैं इसमें जाता हूँ उसके बाद मेरी मम्मा या पापा बहुत गुस्सा करते हैं, तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना। और हाँ, जब भी आपका बच्चा टारगेट पूरा करता है विदाउट फेल विदाउट डिले, आपको उसको रीइन्फोर्स करना है, उसके पसंद की चीज़ों को देना है, जैसे उसके लिए चॉकलेट रखे हैं तो चॉकलेट दे दीजिए, अगर उसके लिए कोई टॉय है तो टॉय दे दीजिए। हाँ, लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देना, मैंने पहले भी शायद बताया कि अगर आपका बच्चा मोबाइल में कुछ देखना पसंद करता है, तो अगर वो नहीं बैठना चाहता है, ऐसे बहुत हाइपर है भागना चाहता है, तो आप उसको वहाँ पे बिठाने के लिए उसको कोई गेम खिला सकते हैं, कोई कुछ सब उसमें भी दिखा सकते हैं, स्क्रीन पे भी दिखा सकते हैं। मैं यहाँ पे प्रेफर करती हूँ कि आपका बच्चा पहले बैठे, चलिए थोड़ा स्क्रीन का अलग इफेक्ट हो सकता है, लेकिन अभी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, उसको टॉयलेट में बिठाना, उसकी टॉयलेट ट्रेनिंग। तो इस कंडीशन में आपको सबसे बड़ा आपका एम होना चाहिए कि टॉयलेट में वो बैठे। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये जो मेरा वीडियो है, बहुत सारे आपके क्वेश्चंस को मैं क्लियर कर पाई होंगी। अगर कोई हिस्सा लगता है आपको कि मैंने मिस कर दिया है, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं कोशिश करूँगी उसको भी क्लियर करने का। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।